हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ हम इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए जो गेट 2019 का पेपर था उसके सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको डब्ल्यू या ईसी ब्रांच में भी प्रोबेबल है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आ जाए। एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एक क्वेश्चन हमें मिला, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स से हमने इसको कंफर्म किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं एम्बिग्यूटी दिखती है डेटा में तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि कंसीडर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जे 5π/4n प्लस ई टू द पावर जे π/4n। इफ अनदर सिग्नल वाई ऑफ एन इज रिलेटेड टू एक्स ऑफ एन एज वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 4n, देन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिग्नल वाई ऑफ एन इज। हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है, एक दूसरा सिग्नल है जो इस सिग्नल पर 4 की स्केलिंग से, टाइम स्केलिंग से हमें वो सिग्नल मिल रहा है। तो पूछा गया इस सिग्नल वाई ऑफ एन के लिए फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको एक दो मेथड से देखने की कोशिश करेंगे, क्या आप गलतियां कर सकते हैं इसकी भी बात करेंगे। तो जैसे अगर आप किसी डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, या अगर कोई साइनसॉइडल सिग्नल ही है, जैसे आप डिस्क्रीट टाइम में जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है पीरियडिक सिग्नल्स का, वो एक्स ऑफ एन किस फॉर्म का हो सकता है, ए टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव, या फिर ए टू द पावर, या फिर ए साइन ओमेगा नॉट एन प्लस पाई। इस फॉर्म के जब सिग्नल्स होते हैं तो आप जानते हैं इनके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी, इनके लिए आप टाइम पीरियड कैसे कंसिडर करते हैं, एन इज इक्वल्स टू 2π/ω0। ये हमारा, जैसे आप कंटिन्यूस के केस में देखते हैं वहां पर टी इज इक्वल्स टू 2π/ω0, बस इतना लिखते हैं आप। लेकिन डिस्क्रीट के केस में क्या नेसेसिटी है कि जो एन होना चाहिए वो एक इंटीजर क्वांटिटी होनी चाहिए, इसलिए यहां पर हम जो पीरियड डिफाइन करते हैं उसको हम पीरियड इस टाइप से डिफाइन करते हैं 2π/ω0 × m, जहां पर ये m आपको वो स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है जो इस ओवरऑल क्वांटिटी को, इस n को क्या बना दे, इंटीजर बना दे। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के पीरियोडिक होने की कि ये जो रेशियो होना चाहिए 2π/ω0, ये रेशियो कैसा होना चाहिए, रेशियो ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए। तभी आप किसी स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब हम जैसे इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है एक्स ऑफ एन, ये हम मेथड वन देख रहे हैं। सपोज ये हम फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू गिवन है ई टू द पावर जे 5π/4n प्लस ई टू द पावर जे 5π/4n। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो हमने बात की कि इंटीजर का रेशियो होना चाहिए, तो ये चीज़ तभी सेटिस्फाई होती है, ये रेशियो आपको इंटीजर्स का रेशियो तभी मिलता है जब ओमेगा नॉट जो हो, इंडिविजुअल जो भी सिग्नल्स हैं उन सभी के ओमेगा नॉट में पाई का टर्म होना ही चाहिए। और पाई का भी टर्म कैसा होना चाहिए, पाई का सिंगल पावर होना चाहिए, ना तो पाई स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, ना तो पाई का टर्म मिसिंग होना चाहिए, ना तो 1/π इस टाइप का कोई टर्म दिखना चाहिए। तो अगर ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दो सिग्नल्स का समेशन है तो ये सिग्नल तभी पीरियोडिक होगा जब अपने आप में ये भी सिग्नल और ये भी सिग्नल दोनों ही कैसे हों, पीरियोडिक हो। तो यहाँ हमें दोनों के लिए अगर हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू 5π/4 है, पाई का टर्म है, सिंगल पावर ऑफ पाई है, तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा। ऐसे ही हमने इसको कंसिडर किया ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, मतलब यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू 5π/4 है, इसमें भी पाई का टर्म है, ये भी सिग्नल पीरियोडिक होगा। और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो आपके ओवरऑल सिग्नल की पीरियोडिसिटी चेक करने की आपको जरूरत नहीं होती, वो सिग्नल हमेशा ही क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो फर्स्ट मेथड से अगर हम पहले इस एक्स ऑफ एन सिग्नल के लिए कैलकुलेट कर लें पीरियड, और फिर इस रिलेशन को यूज करके हम वाई ऑफ एन सिग्नल के लिए पीरियड अगर फाइंड करना चाहें, तो अगर आपने इसको कंपेयर किया, तो अगर आप जानते हैं कि अगर दो कॉम्बिनेशन है हमारा दो सिग्नल्स का, तो अगर हम इंडिविजुअली इसके लिए टाइम पीरियड फाइंड कर लें, इसके लिए टाइम पीरियड फाइंड कर लें, तो जो ओवरऑल सिग्नल का पीरियड होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ जो भी इनके पीरियड्स हैं। सपोज इसको हमने n1 कहा और इसके लिए पीरियड को अगर n2 नाम दिया तो एलसीएम ऑफ n1 एंड n2। तो सबसे पहले आपने इसको कंपेयर जब किया तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आपको दिख रही है ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू है 5π/4, और इस केस में ओमेगा नॉट 2 की वैल्यू है π/4। तो यहां से अब अगर आप इस सिग्नल के लिए पीरियड फाइंड करते तो n1 इज इक्वल्स टू हम लिखते 2π/ω0 इंटू एक स्मॉलेस्ट इंटीजर हमें लेना है m, जो इस चीज को एक रेशियो हमें कैसा बना दे, इंटीजर बना दे। वैल्यू देखिए 2π/ω0 इज 5π/4 इंटू स्मॉलेस्ट इंटीजर m, ये हम सेलेक्ट करेंगे क्या होनी चाहिए वैल्यू। यहां देखिए पाई से पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 8/5 इंटू m।
अब हम कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर चुने जो इस वैल्यू को इंटीजर बना दे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, हम 5 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल m ले लेंगे तो वो चीज़ इस पूरे को क्या बना देगी, इंटीजर बना देगी। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर सेलेक्ट करना है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर विल बी 5, तो n इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 8। कैसे, जब हमने m की क्या वैल्यू ली, एट m इज इक्वल्स टू 5। इस m की वैल्यू, इससे आपको कोई कंसिडरेशन इसमें कुछ भी कंसिडर नहीं करना, आपको n1 की वैल्यू मिल गई 8, उसके लिए आपने जो यूज़ किया ये सिर्फ आप समझ सकते हैं कि m की किस वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू n इज इक्वल्स टू 8 मिल रही है, ठीक है। तो ये n1 फर्स्ट सिग्नल के लिए, इस x1 ऑफ n अगर हम इस सिग्नल को कहें तो इसका पीरियड हमने फाइंड किया n इज इक्वल्स टू 8। ऐसे ही अगर यहाँ आप फाइंड करें n2, तो n2 इज इक्वल्स टू 2π/ω02, और यहाँ भी हमें कोई एक स्मॉलेस्ट इंटीजर चुनना होगा m जो इसको इंटीजर बना दे, दैट इज 2π/π/4 इंटू m। देखिए ये जो पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू क्या मिल रही है, 8 इंटू m। 8 ऑलरेडी इंटीजर है तो आप m की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या सेलेक्ट करेंगे, m इज इक्वल्स टू 1। तो इसलिए n2 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 8, कहाँ पर, एट m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इन दोनों इंडिविजुअल सिग्नल्स का पीरियड कितना है, 8 है। तो देयरफॉर अगर हम इस x ऑफ n के लिए पीरियड को n से डिफाइन करें तो n इज इक्वल्स टू LCM ऑफ n1 एंड n2, तो 8 और 8 का जब आप LCM लेंगे, दैट इज LCM ऑफ 8 एंड 8, तो ये वैल्यू भी क्या मिल जाएगी आपको, n इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हमारे पास जो अभी जो हमने ये पीरियड फाइंड किया, ये हमने x ऑफ n सिग्नल के लिए पीरियड फाइंड किया। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ 4n। तो आप जानते हैं स्केलिंग का इफेक्ट टाइम पीरियड पर, कि अगर हमने इसको 4 टाइम स्केल कर दिया तो अब जो नया टाइम पीरियड होगा वो इस पीरियड का डिवाइडेड बाई 4 करने से आपको ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन किस केस में, सिर्फ उस केस में अगर हम लिखें yn इज इक्वल्स टू x ऑफ n लिखा हमने, तो इफ x ऑफ n के लिए अगर हमारा पीरियड n है, देन x ऑफ अल्फा n, इस सिग्नल का जो पीरियड होगा, दैट विल बी n अपॉन अल्फा, ओनली इफ n अपॉन अल्फा, ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये n अपॉन अल्फा क्या है, इज एन इंटीजर। ये तभी होगा जब हमारे n अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो, एक इंटीजर हो। और अगर इसी का पीरियड हम देखें तो इसी का पीरियड n होगा इफ n अपॉन अल्फा इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। देखिए हम फर्स्ट मेथड जो हमने लिया है, हो सकता है आप लोग इस मेथड से सॉल्व ना करें, आप डायरेक्टली x ऑफ 4n फाइंड कर लें yn, उसके लिए हम सेकंड मेथड में वो भी देखेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोसीजर से जाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर x ऑफ n का टाइम पीरियड n है तो ऐसा नहीं है कि x ऑफ अल्फा n में अल्फा की कुछ भी वैल्यू हो तो उससे आप टाइम पीरियड को डिवाइड कर देंगे और वो आपका नया टाइम पीरियड होगा, नहीं होगा। किस केस में होगा, सिर्फ तभी जब n अपॉन अल्फा क्या हो, एक इंटीजर वैल्यू हो। अब यहां पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 8, और आपने स्केलिंग कितने फैक्टर से किया है, 4, तो 8 अपॉन 4 दिख रहा आपको क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए अब यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ yn दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ 4n, इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा इट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये किस केस में, जब हमारा ये 8 अपॉन 4 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तब तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इस फर्स्ट मेथड से हमने देखा और हमें y ऑफ n के लिए टाइम पीरियड मिल गया, वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। इस पर हम और इसको डिस्कस करेंगे आगे। जैसे अब अगर हम मेथड 2 देख लें, तो मेथड 2 में आपके पास x ऑफ n ये सिग्नल गिवन है, e टू द पावर j 5π/4n प्लस e टू द पावर j π/4n, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली अगर y ऑफ n फाइंड कर लेते, जो कैसी वैल्यू है, x ऑफ 4n के बराबर है। अगर आपने n को 4n से रिप्लेस कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर j 5π/4 इंटू 4n प्लस e टू द पावर j π/4 इंटू 4n। मतलब ये जो आपको सिग्नल मिल रहा है y ऑफ n, इस y ऑफ n सिग्नल की वैल्यू क्या है, e टू द पावर j 5πn प्लस e टू द पावर j πn, ठीक है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट अगर लगाएं आप, ये हमारा x1, सपोज ये y1 ऑफ n सिग्नल है और ये y2 ऑफ n सिग्नल है, दोनों का इंडिविजुअल पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उनका LCM ले लीजिए। तो अगर हम इसके लिए देखें हम, तो ओमेगा नॉट 1 की वैल्यू e टू द पावर j ओमेगा नॉट n से आपने कंपेयर किया, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 5 पाई, और यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा नॉट 2 की वैल्यू पाई,
इसके लिए टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे तो एन वन इज इक्वल्स टू टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट, दैट इज टू पाई अपॉन फाइव पाई इन टू स्मॉलेस्ट इंटीजर एम, आपको कोई वैल्यू लेनी है। यहां पर एन टू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट इन टू, यहां भी आपको एक स्मॉलेस्ट इंटीजर एन सेलेक्ट करना है जिस पर ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, इंटीजर बन जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पाई से पाई का टर्म कैंसिल हो गया, 2 बाई 5 है, इंटीजर नहीं है। इसको हम किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा इंटीजर बन जाए, 5 से। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो n1 की वैल्यू क्या दिख रही है, 2। इसके लिए आपने m की क्या वैल्यू ली, एट m इज इक्वल्स टू 5। यहां से अगर आप देखें n2, तो n2 ऑलरेडी एक इंटीजर है, पाई और पाई कैंसिल हो गया, n2 इज इक्वल्स टू 2 इन टू m, 2 ऑलरेडी इंटीजर है, तो m की वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे, m इज इक्वल्स टू 1। तो n2 इज इक्वल्स टू 2 एट m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इंडिविजुअल सिग्नल्स के लिए इसका आपको पीरियड मिल गया 2, इसका भी पीरियड मिल गया 2, तो ओवरऑल सिग्नल के लिए पीरियड n इज इक्वल्स टू LCM ऑफ n1 एंड n2, दैट इज 2 एंड 2, 2 और 2 का LCM भी आप जानते हैं क्या होगी वैल्यू, 2। तो यहां से आपने देख लिया कि n इज इक्वल्स टू 2, तो इस मेथड से भी सॉल्व करते तो आपके लिए आंसर वही आता जो यहां से आया। अब गलती कैसे कर सकते हैं, जैसे यहां पर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, सपोज इसी सिग्नल में अगर हमारे पास y ऑफ n अगर ऐसा होता, इफ y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ 3n, ठीक है, तो x ऑफ 3n अगर होता, यहां से आपने x ऑफ n का पीरियड कैलकुलेट किया, और अगर आप x ऑफ n का पता चल गया तो x ऑफ 3n का अगर आपने लिख देते आप 8/3, तो वो रॉन्ग हो जाता। आप देखिए उस केस में पीरियड क्या होता, यहां क्या लिखा हमने, अगर x ऑफ अल्फा n, n अपॉन अल्फा अगर इंटीजर नहीं है तो उसका पीरियड भी क्या होगा, n ही होगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास जो x ऑफ n सिग्नल था वो x ऑफ n क्या था, e टू द पावर जे 5π/4n प्लस e टू द पावर जे पाई बाई 4n। तो यहां से yn अगर हम देखते, yn इज व्हाट, x ऑफ 3n, तो यहां 3n अगर आप पुट करेंगे तो e टू द पावर जे 15π/4n प्लस e टू द पावर जे 3π/4n, ठीक है। ये n इज इक्वल्स टू हमने 3 पुट कर दिया, मतलब 3n पुट कर दिया। अब आप इंडिविजुअल सिग्नल्स के लिए पीरियड देखिए, इसके लिए ओमेगा नॉट 1 की वैल्यू 15π/4, इसके लिए ओमेगा नॉट 2 की वैल्यू 3π/4। अब अगर आप देखें तो इसके लिए टाइम पीरियड n1 इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा नॉट, दैट इज 15π/4, और हमें यहां स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है m। यहां पर n2 की वैल्यू क्या हो जाती, 2π अपॉन 3π/4, और यहां भी हमें क्या सेलेक्ट करते, स्मॉलेस्ट इंटीजर n। देखिए यहां से पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये क्या वैल्यू आ रही है, 2 बाई, इट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8/15 इंटू m, और यहां से n2 की वैल्यू आ रही है 8/3 इंटू m। अब यहां पर आप क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर सेलेक्ट करेंगे जिससे ये एक इंटीजर बन जाए, अगर आपने m इज इक्वल्स टू 15 ले लिया तो 15 और 15 कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और आपको n1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 8, कहां पर, एट m इज इक्वल्स टू 15। और यहां से n2 की वैल्यू अगर हम देखें तो फिर से इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, m की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, n2 इज इक्वल्स टू 8, कहां पर, एट m इज इक्वल्स टू 3। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर y ऑफ n x ऑफ 3n के बराबर था तो yn का ओवरऑल जो पीरियड होगा वो फिर से इन दोनों के पीरियड्स का क्या लेना पड़ेगा हमें, LCM, और दोनों के इंडिविजुअल पीरियड्स कितने हैं, 8। तो देयरफॉर ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ yn इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 8 एंड 8, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 8 ही मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहां पर स्केलिंग फैक्टर जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्चुअल क्वेश्चन में अगर वो 4n था, स्केलिंग फैक्टर अगर 4 था और xn का टाइम पीरियड अगर 8 था, तो 8 अगर 4 से डिविजिबल था, इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स, तब तो उसका जो पीरियड हुआ वो क्या हुआ, एक्चुअल पीरियड डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में 3n पूछा होता, वाई ऑफ 3n, और अगर आप मेथड 1 से सॉल्व करते तो आपने जैसे ही देखा कि 8 अपॉन 3 अगर वो इंटीजर नहीं है तो डायरेक्टली उसका भी पीरियड क्या हो जाता, वाई ऑफ 3n का भी पीरियड, x ऑफ 3n का भी पीरियड कितना होता, जितना हमारा x ऑफ n का पीरियड था, दैट इज 8, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए जब पीरियडिसिटी करें तो उसको कंसिडर करेंगे। और एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो हमें मिला है, और बाकी में डेटा कंफर्म नहीं हो पाया, तो वो एक क्वेश्चन हम अभी और अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।